નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું. અતિથિ એટલે ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે. ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે કાર્યક્રમમાં અમે મુલાકાત કરાવીએ છીએ આપને એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે, જેમની સાથે અંતરંગ વાતો કરે. દર્શક મિત્રો, ઘણા નામ એવા હોય છે કે જેને આપે વર્ષોથી તે નામ સાંભળ્યા હોય છે, પરંતુ તે નામની સફળતાની પાછળ જે શિલ્પી હોય છે કદાચ તેને મળવાનો મોકો પૂરો પાડે છે અમે કાર્યક્રમ અતિથિમાં. દર્શક મિત્રો, વ્હાઇટ ગુડ્સની વાત આવે. વ્હાઇટ ગુડ્સ એટલે કે જે પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ છે, ટીવી, ફ્રીજ, ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમો બધી જ, અને તેની અંદર એકમાત્ર જો નામ કદાચ આજે ગુજરાતના લોકોના મોઢે આવતું હોય તો તે છે સેલ્સ ઇન્ડિયા. સેલ્સ ઇન્ડિયા એક એવું ગ્રુપ કે બિલકુલ નાનકડા એક નાનકડી ઓફિસમાંથી, નાનકડી એક શોરૂમમાંથી સ્ટાર્ટ થયેલું આજે સેલ્સ ઇન્ડિયા ગ્રુપ અત્યારે ટોપ પર છે. કદાચ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં નંબર વન ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો શોરૂમ કહી શકાય તેવા સેલ્સ ઇન્ડિયા, અને તેની સાથે સંકળાયેલા સેલ્સ ઇન્ડિયા ગ્રુપના ચેરમેન જ્હોન જી વર્ગીસ આજે આપણી સાથે. જ્હોનજી, આપના સ્વાગત કરે. મિસ્ટર જ્હોન, સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહૂંગા કે સેલ્સ ઇન્ડિયા બહુ સારે નામ હો સકતે થે, ઇસકે સેલ્સ ઇન્ડિયા હી નામ ક્યો ચૂઝ કિયા? કોઈ એસા કોઈ સેપરેટ કોઈ હે નહીં, એસા ઇટ વાસ ઓન્લી અ સિલેક્શન. નહીં, ફિર ભી જબ નામ સિલેક્શન કે ટાઈમ બેઠે હોંગે તો બહુત સારે નામ આયે હોંગે. ક્યા 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 રીઝન થા કે સેલ્સ ઇન્ડિયા નામ રખના? એક્ચ્યુઅલી જબ સેલ્સ ઇન્ડિયા શરૂ કિયા થા, યે અપ્લાયન્સેસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કે લિયે શરૂ નહીં કિયા થા. એક્ચ્યુઅલી હમારે મારુતિ કાર કા ડીલરશિપ થા, ઉસકે લિયે શરૂ કિયા થા. ઓકે. લેકિન મારુતિ કાર વો उनका उत्पादन नहीं हुआ, संजय गांधी का जो प्रोजेक्ट था उत्पादन नहीं हुआ, उनका कारण फिर हमने वो छोड़ के ये छोटा बिजनेस शुरू किया, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन के साथ 1971 में शुरू किया. 1971 में आपने शुरू किया सेल्स इंडिया की पहली शुरुआत थी. 1960 में आप अहमदाबाद आए थे. सबसे पहले आप आए थे अहमदाबाद में, ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था आपने केरला के गाँव में, और केरला के गांव में आपने 1960 के मैं आप जब अहमदाबाद पहली बार आए थे, क्या ड्रीम था केरला छोड़ के गुजरात आते वक्त, जब पहला दिन था वो, जब आप अहमदाबाद स्टेशन पे उतरे थे, व्हाट वाज द ड्रीम? ना ऐसा कोई स्पेशल ड्रीम तो ये नहीं था. एक्चुअली तो मैं ऐसा ही आया था, काली गाँव सब देखने के लिए आया था, बोले मुंबई आया था, मुंबई सब देखा, ऐसा अहमदाबाद में आया था. ऐसा कोई आइडिया नहीं था, इधर आके सेटल करने का कोई विचार तो नहीं था. एक्चुअली मैं एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे को इधर आने का ऐसा उधर सेटल करने का कोई पहले कोई प्लान तो ये नहीं था, ऐसा इट इज डेस्टिनी. ओके. आप आए थे, फिर क्या हुआ, क्या क्या ऐसा हादसा हुआ, क्या वाक्य हुआ कि यू थॉट कि नहीं ओके दिस इज द प्रॉपर प्लेस टू सेटल? ऐसे ही मेरे ख्याल है, ऐसे ही इट जस्ट हैपेंड. ऐसा कुछ हमारा कुछ विचार में नहीं था. आई वॉज जस्ट अ बॉय, जस्ट लाइक दैट, कोई प्लानिंग तो है नहीं था. ऐसे ही थोड़ा फ्रेंड सब इधर था, ऐसा मिल गया फलाना, फिर तो जॉब शुरू कर दिया. मिस्टर जॉन, आपने गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले सिलेक्ट किया था, ये फील्ड था बहुत आराम की जॉब हो सकती थी आपकी, कोई टेंशन नहीं, ख़त्म होने के बाद पेंशन भी मिल सकता था, विदाउट टेंशन यू कैन गेट पेंशन ऑल्सो. क्या चार साल आपने कुछ गवर्नमेंट में जॉब किया? लेकिन ऐसा है, मैं ऐसा कोई सर्विस क्लास में नहीं था. मेरे बाप और मेरे बाप का बाप थे, सब बिजनेस वाले थे, लेकिन बिजनेस इज इन माई ब्लड. ये तो ये सर्विस करने का कोई इरादा नहीं था, इट वॉज ओनली स्टॉक गैप अरेंजमेंट, इतना ही समझ लेने का. अच्छा, स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जो बीच में की चार साल. मेरा माइंड वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ डूइंग सम बिजनेस, दैट वाज इन माय माइंड. ओके. 1971 में यू स्टार्टेड सेल्स इंडिया. आपने बताया कि मारुति कार का आप शोरूम बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहीं प्रोजेक्ट था वो स्लिप हो चुका, नहीं हुआ. उसके बाद आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, कहाँ से शुरुआत की थी, कौन सा दिन था वो यू स्टार्टेड? It was in October 1971 में हमने शुरू किया था. Just started with Calvinator refrigerator के साथ. Single company के साथ venture you started. Yeah. और मेरे अच्छे सर्कल लोग था, तो उनको समझा के ऐसा. वो टाइम पर इतना सब बड़ा बिजनेस तो नहीं होता था. Even refrigerator was a
रॉयल प्रोडक्ट ही, नॉट अ कॉमन मैन प्रोडक्ट। मतलब घर में फ्रिज रखना वो भी एक मतलब आजू बाजू दस और दस घर देखेंगे कि इसके घर ऐसा सब लोगों के पास होता है नहीं मतलब विश्वास ऑल्सो वेरी इन शॉर्ट सप्लाई। हम लोग थोड़ा थोड़ा रेफ्रिजरेटर लेके आता था, 30 रेफ्रिजरेटर 40 रेफ्रिजरेटर मुंबई से दिल्ली से लाता था और थोड़ा सर्कल में बेचता था। वो टाइम पर इतना जरूरी